दोस्तों इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाला हूँ होंडा एक्स ब्लेड और दूसरा है बजाज की पल्सर 150 सीसी स्टैंडर्ड मॉडल। ये दोनों बाइक फैमिली राइडिंग के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें दोनों में सिंगल सीट आती है और ज़्यादा ही कंफर्टेबल सीट आती है। पल्सर की बात करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है, इसमें आप तीन लोग भी आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। पल्सर की बात करते हैं दोस्तों तो 150 सीसी में तीन बाइकें आती हैं, पल्सर ट्विन डिस्क, पल्सर नियोन और पल्सर स्टैंडर्ड मॉडल। तो दोस्तों यहाँ मैं पल्सर स्टैंडर्ड मॉडल का कंपेरिजन करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों पल्सर ट्विन डिस्क में आपको स्प्लिट सीट आ जाती है और पल्सर नियोन में आपको सिंपल ग्राफिक देखने को मिलता है, इसमें आपको ज़्यादा ग्राफिक देखने को नहीं मिलता है। आइए जानते हैं दोस्तों दोनों बाइक की कंपेरिजन करेंगे और कौन से बाइक में क्या मिलेगा और कौन से लेने से फ़ायदा रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम अगर डीएन मॉडल लुक की बात करते हैं तो नो डाउट होंडा एक्स ब्लेड आगे निकल जाएगी डीएन मॉडल लुक के मामले में, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको रोबोटिक फेस देखने को मिल जाता है होंडा एक्स ब्लेड में। अगर सामने से देखेंगे या फिर साइड से देखेंगे तो काफ़ी अग्रेसिव लुक लगता है होंडा एक्स ब्लेड। यहीं पर बजाज पल्सर की बात करते हैं जिसमें आपको काफ़ी सिंपल लुक रखा गया है, काफ़ी साधारण लुक रखा गया है। तो दोस्तों किसी को बजाज पल्सर पसंद आ सकता है तो किसी को होंडा एक्स ब्लेड पसंद आ सकता है। इसलिए दोस्तों डीएन मॉडल लुक की बात छोड़ते हुए बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। तो होंडा एक्स ब्लेड में इंजन मिलता है 162.71 सीसी का, एयर कूल फोर स्ट्रोक एसआई प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन इसमें आती है। पावर निकालती है 13.86 PS की 8000 RPM पर, टॉर्क निकालती है 14.7 Nm 5500 RPM पर। अगर यहीं पे पल्सर की बात करते हैं तो इसमें आपको इंजन मिलता है 149.5 सीसी का, एयर कूल फोर स्ट्रोक ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्शन इसमें आती है। पावर निकालती है 14 PS की 8500 RPM पर, टॉर्क निकालती है 14.25 Nm 6500 RPM पर। तो यहाँ पे दोस्तों पावर और टॉर्क में कोई ज़्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है होंडा एक्स ब्लेड में, यहीं पे आपको पावर ज़्यादा मिलता है पल्सर में। तो नो डाउट दोस्तों दोनों में बराबर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, थोड़ा बहुत आपको होंडा एक्स ब्लेड में ज़्यादा मिल जाएगी, इसकी आपको टॉप स्पीड हो सकती है 125 तक की जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं पल्सर 150 की बात करता हूँ, आपको 118 से लेकर 120 तक की जाएगी टॉप स्पीड। दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर मिलेगा। स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो सेल्फ और किक दोनों ही बाइकों में मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक की कुछ फीचर्स की। बजाज पल्सर में आपको DC हेडलैम्प देखने को मिलेगा, आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, इसमें आपको LED ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको DTSI इंजन मिलेगा, सिंगल सीट मिलेगा और काफ़ी लंबी सीट मिलेगा, और इसमें आपको स्प्लिट हैंडल बार मिलता है। एक्स ब्लेड की बात करते हैं जिसमें आपको डबल पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, सर्विस DO इंडिकेटर मिलेगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिलेगा और 1000 लाइट मिल जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपनी अपनी फीचर्स होता है, दोनों में अब ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं तो बजाज पल्सर में आपको थोड़ा सा स्पोर्टी सीटिंग पोजीशन है, लेकिन यहीं पे होंडा एक्स ब्लेड में दोस्तों उतनी सीटिंग पोजीशन स्पोर्टी नहीं है, थोड़ी सी आपको कम्यूटर टाइप की सीटिंग पोजीशन है इसकी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा होंडा एक्स ब्लेड में लॉन्ग राइड के लिए कम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि दोस्तों इसकी सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा नॉर्मल है, इसमें आपको ज़्यादा स्पोर्टी सीटिंग पोजीशन नहीं है। हेडलैम्प की बात करते हैं तो होंडा एक्स ब्लेड में आपको फुल्ली LED हेडलैम्प मिलेगा, यहीं पे आपको बजाज पल्सर 150 में DC हैलोजन बल्ब मिलेगा, इसमें आपको LED का कोई ऑप्शन नहीं है। मीटर कंसोल की बात करते हैं तो आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाएगा होंडा एक्स ब्लेड में, यहीं आपको डिजिटल प्लस एनालॉग रहने वाला है बजाज पल्सर स्टैंडर्ड मॉडल में। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक की टायर साइज की। तो यहाँ पे दोस्तों होंडा एक्स ब्लेड में आगे के टायर मिलता है 80/17 ट्यूबलेस टायर और पीछे 130/70/17 ट्यूबलेस टायर। पल्सर की बात करते हैं तो आगे 80/17 ट्यूबलेस टायर और पीछे 90/17 ट्यूबलेस टायर। यहाँ पे दोस्तों पीछे टायर के मामले में काफ़ी आगे हो जाती है होंडा एक्स ब्लेड, इसमें आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी, अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो होंडा एक्स ब्लेड आपको टायर के मामले में आगे हो जाती है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो होंडा एक्स ब्लेड में आपको आगे 276 mm का डिस्क मिलेगा सिंगल चैनल ABS के साथ, और पीछे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन आती है, ये आपको डबल पेटल डिस्क ब्रेक मिलेगा। पल्सर 150 की बात करते हैं तो आपको आगे मिलेगा 260 mm का डिस्क ब्रेक और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक आती है, पीछे इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आती है, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। एक्स ब्लेड की सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। पल्सर में टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फॉर्क मिलेगा आगे और पीछे आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पल्सर में आपको पीछे डबल सस्पेंशन आती है तो यहीं पे होंडा एक्स ब्लेड में आपको सिंगल सस्पेंशन आती है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कंफर्टेबल रहने वाली है होंडा एक्स ब्लेड में सस्पेंशन के मामले में। बात कर लेते हैं डायमेंशन की। होंडा एक्स ब्लेड की व्हील बेस मिल जाती है 1347 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको 160 mm, फ्यूल टैंक 12 लीटर, गाड़ी का वजन 143 kg, अगर आप डबल डिस्क में लेते हैं तो आपको 144 kg। पल्सर में व्हील बेस मिल जाती है 1320 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, फ्यूल टैंक 15 लीटर और गाड़ी का वजन 148 kg।
यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ओवरवेट देखने को मिलता है पल्सर। तो दोस्तों ये माइलेज का भी फर्क पड़ सकता है। माइलेज की बात करते हैं तो होंडा एक्सप्लेंडर में आपको 50 तक की माइलेज मिल जाएगी, हो सकता है दोस्तों आपको 50 से प्लस भी मिल सकती है। यहीं पे अगर पल्सर की बात करते हैं तो ये भी आपको 45 से 50 तक की मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों 2-3 किलोमीटर आपको थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज दे जाएगी होंडा एक्सप्लेंडर। प्राइस की बात करते हैं तो होंडा एक्सप्लेंडर काफ़ी महंगी प्राइस देखने को मिलता है। अगर आप सिंगल डिस्क में लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा 1,06,668 रुपया, अगर आप डबल डिस्क में लेते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 1,10,968 रुपये। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग दोस्तों 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक की जा सकती है। पल्सर 150 की बात करते हैं तो ये आपको 97,950 रुपये मिल जाएगा और इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग दोस्तों 1,15,000 के आसपास मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ मैं दिल्ली शोरूम प्राइस बताया हूँ, यहाँ आपको 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा महंगी देखने को मिलता है होंडा एक्सप्लेंडर। दोस्तों बात आती है लेना कौन सा चाहिए। दोस्तों अगर आप चौड़े टायर के साथ जाना चाहते हैं, आपको फुल्ली डिजिटल मीटर फुल्ली LED हेडलैम्प के साथ जाना चाहते हैं तो नो डाउट होंडा एक्सप्लेंडर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी आपको काफ़ी अग्रेसिव लुक भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 2-3 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डबल पेटल डिस्क भी देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलेगा और 1,000 लाइट देखने को मिलता है। तो दोस्तों 1,000 लाइट का भी फायदा है, अगर अंधेरे में रोड के किनारे अगर आप बाइक खड़ी करते हैं तो चारों लाइट एक साथ जला सकते हैं ताकि आपकी बाइक की सेफ्टी बढ़ जाए। और दोस्तों ये थोड़ा सा लंबे राइडिंग के लिए कंफर्टेबल रहेगा होंडा एक्सप्लेंडर, क्योंकि इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट है। इसकी सीटिंग पोजीशन भी दोस्तों इतनी स्पोर्टी नहीं है जितना कि पल्सर स्टैंडर्ड मॉडल। तो कुल मिलाकर दोस्तों थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रहने वाला है सीटिंग पोजीशन होंडा एक्सप्लेंडर में। तो दोस्तों यहाँ पे होंडा एक्सप्लेंडर ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 10 से 15,000 रुपये आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। यहीं पे अगर पल्सर 150 की बात करते हैं तो इसमें आपको दोस्तों पावर और टॉर्क भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। इसमें आपको थोड़े से पतले टायर मिलेंगे और इसमें दोस्तों डिस्क साइज भी थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू एक्सप्लेंडर के मुकाबले। नो डाउट दोस्तों पल्सर 150 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली राइडिंग के लिए अच्छी है, क्योंकि दोस्तों ये आपको 10 से 15,000 रुपये कम प्राइस पे करना पड़ेगा होंडा एक्सप्लेंडर के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पे पल्सर 150 भी एक बेस्ट ऑप्शन है 185 से सेगमेंट में बाइक लेने के लिए, तो पल्सर 150 भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये कंपेरिजन आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।